स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, प्रिंसिपल सुसाइड केस में 3 प्रोफेसर गिरफ्तार। भिलाई के नंदिनी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने 4 माह पहले लगाई थी फांसी, प्रोफेसर पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप। नंदिनी पुलिस ने नंदिनी शासकीय महाविद्यालय के 3 प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। तीनों पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर नायक को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने इन प्रोफेसर के खिलाफ धारा 306-34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर की खुदकुशी के मामले में 4 महीने बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नंदिनी TISN सिंह ने बताया कि 28 अक्टूबर 2021 की सुबह प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर नायक का शव पुराने कॉलेज के एक पुराने कमरे में फंदे से लटका मिला था। नंदिनी पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो उन्हें वहां से एक सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें पता चला था कि प्रभारी प्राचार्य ने कॉलेज के 3 प्रोफेसर की प्रताड़ना से काफी परेशान थे, इसी के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद पुलिस ने राइटिंग एक्सपर्ट से सुसाइड नोट की लिखावट की जांच कराई। जांच के बाद पाया गया कि सुसाइड नोट मरने से पहले प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर ने ही लिखा था। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कन्नौजे 54 वर्ष निवासी थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव, प्रोफेसर ढालेश कुमार पटेल 45 वर्ष निवासी नंदिनी और प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार उपाध्याय 51 वर्ष निवासी समता कॉलोनी रायपुर को गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।